अब समाचार विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आज अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट को उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को 8 एयरपोर्ट दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री को प्रदान करते हुए डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल नौ एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बनाती है। इसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका, नया युग शुरू हो चुका है। आज का ये आयोजन नए भारत के इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा रबी मौसम में देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। केंद्र ने किसानों से कहा है कि मीडिया की खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र की ओर से सभी राज्यों से जरूरत के मुताबिक उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। तमिलनाडु के त्रिची और राजस्थान में उर्वरकों की कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि मीडिया के खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के मुताबिक यूरिया डीएपी और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी कर दिया। मसौदे के अनुसार व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन और अनधिकृत प्रसंस्करण पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदे के अनुसार व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन का अर्थ किसी भी अनधिकृत प्रसंस्करण से है। मसौदे के अनुसार सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाई गई। डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट आईटी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बिल का नाम बदलकर डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल रखा गया है। डाटा के गलत इस्तेमाल होने पर पेनल्टी गई है। खगड़िया जिले के परबत्ता और अलौली में पंजीकरण वालों में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद दो निजी एजेंसियों की सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने लापरवाही की बात स्वीकार करते हुए कहा कि पंजीकरण कराने वाले सभी लोगों के साथ ऐसी शिकायतें नहीं है। समस्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने जो सर्जरी से जो तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, उस दिन भी जो 23 लोगों का सर्जरी सबके साथ ही स्थिति सबके साथ कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ। साथियों ने बताया कि एनेस्थेसिया का जो डोसेज लोकल एनेस्थेसिया में करने का लोकल एनेस्थेसिया में इसको किया जाता है, ज्यादा सेफ ज्यादा पेशेंट के लिए भी ज्यादा सेफ उसको माना जा सके। लोकल एनेस्थेसिया में करना गलत नहीं है, करना गलत नहीं। जो जो माना जाता है कि जो पेशेंट के ऊपर चेक करने सफिशियंटली सजेस्ट हो गई है कि नहीं, ताकि वो वाली चीज को देख लो, वाली चीज को देख लेना चाहिए। दरभंगा जिले के नेहरूगंज स्टेडियम में आयोजित आज आखिरी मेले में किसानों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध है। कल दरभंगा में मेले का उद्घाटन करते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से किसानों को कृषि संबंधी यंत्रों के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेती के लिए कृषि यंत्र की उपकरण जरूरी है।
कृषि विभाग के द्वारा ये अच्छा कार्यक्रम है और इससे किसानों को फायदा होगा। जो हमारे किसान खेती करते हैं उनको जिस तरह का भी यांत्रिक का जरूरत है वो सब यहाँ उपलब्ध है और उसका लाभ सरकार के द्वारा जो भी इसमें सब्सिडी है और इससे फसल का उपज बढ़ेगा। यह कोई पहला मेला नहीं है, इससे पहले भी लगातार सरकार के द्वारा इस तरह का मेला का आयोजन किया जाता है और इसी के कारण राज्य के कारण फसल का उत्पादन क्षमता बढ़ा है और इसका स्वागत करते हैं। सभी किसान भाई को हम लोग इस माध्यम से जरूर अनुरोध करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा खाना तो इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध खाद्य सामग्री है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी यहाँ होता है। उसका हम लोग सिर्फ इस इलाके में नहीं देश विदेश में नवादा जिले के शोभिया स्थित कृषि फार्म में दो दिवसीय कृषि यांत्रिक प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन श्री संतोष कुमार सुमन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले में यांत्रिकी उपकरण किसानों के लिए सब्सिडी दरों पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र ऑनलाइन भी उपलब्ध है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे इस मतदान कार्य में 5 सेंट्रल पैनल और 26 काउंसलर के लिए वोटिंग हो रही है। चुनाव में 24 छात्र प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना का काम शाम 4 बजे से शुरू होगा। आज देर शाम चुनाव अधिकारी खुश इधर मतदान को लेकर छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं को लेकर मत प्रयोग करने की बात कही है। साइंस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, कॉलेज में मैं देखा है यहाँ लाइब्रेरी का दिक्कत है, लाइब्रेरी केमिकल्स का दिक्कत है, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी नहीं है, फिर यहाँ कैंटीन नहीं है, कैंटीन नहीं है, कल्चरल क्लब्स नहीं है, कल्चरल सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इस पे हम लोग वोट करेंगे, जो सही कैंडिडेट रहेगा, जो कैंडिडेट हमारे साथ रहेगा उसको हम लोग वोट करेंगे, उसको हम लोग वोट करने जा रहे हैं। काशी तमिल संगम का वाराणसी में आयोजन हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एक महीने तक चलने वाले इस आयोजन में 12 के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी पहुंच रहे हैं। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में काशी तमिल संगम की तैयारियों का जायजा लिया। गोपालगंज पुलिस ने आभूषण चोरी मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए संजीव कुमार ने बताया कि सीसीटीवी में दर्ज स्थिति के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि जिले के माझा बाजार में हुई झड़प के बाद भी पुलिस छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि लूटे गए आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। की घटना घटी थी जिसमें 5-6 अपराधकर्मियों द्वारा घटना कार्य की गई थी जिसमें अनुसंधान में पहले ही 5 अभियुक्त प्राथमिकी मिला के जिंदा जेल भेजे गए हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी जिसके पास आई थी बिहार के पास फोटो में उसकी गिरफ्तारी उसकी अध्यक्ष माझा अनुसंधान के द्वारा काफी मेहनत के इस तरह से अभी तक कुल आइए अब देखते हैं 10 खबरें।
भारतीय निजी क्षेत्र के रोशन ने अंतरिक्ष के उपग्रहों को सफलतापूर्वक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह उपलब्धि हमारे युवाओं की अपार प्रतिभा का प्रमाण है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सरनजीत बोले, प्रदेश को सिर्फ 37% यूरिया प्रतिशत। दसवीं पास करने के बाद आईटीआई का आईटीआई अब स्नातक में मिलेगा सीधा दाखिला। राजभवन ने इस संबंध में जारी किया आदेश। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कल्याणी देवी ने मुंगेर में विकास एवं राज्य सरकार को गति देने के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। एंटीबायोटिक दवाओं के कम से कम इस्तेमाल के लिए वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह मनाया गया। लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन को लेकर किया गया जागरूक। डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। निजी सचिव और परिजनों का मोबाइल सब डिजनी कंपनी ने अपने सुविधा ऐप को 19 नई सुविधाओं के साथ किया लॉन्च। उपभोक्ता मोबाइल नंबर और ईमेल को भी कर सकेंगे अपडेट। तुरंत बिल भुगतान की सुविधा भी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी सदर अस्पतालों में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने पर चल रहा है काम। राजधानी पटना समेत प्रदेश के 16 जिलों में गिरा न्यूनतम तापमान। गया का न्यूनतम तापमान सबसे 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और विश्व कप 2022 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाले सीनियर वाली चयन समिति को किया भंग। चयनकर्ता पद के लिए मांगे आवेदन। और अंत में मुख्य समाचार में एक बार फिर से पीएम मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कहा, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास केंद्र की प्राथमिकता में शामिल। केंद्र सरकार ने कहा, देश में खाद की कोई कमी नहीं। मीडिया में चल रही खबर को बताया करते ही केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा किया जारी। मसौदे में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना प्रस्ताव। और दरभंगा और नवादा में कृषि यांत्रिकरण सह कृषि मेले का हो रहा है आयोजन। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद सब्सिडी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये समाचार का समाप्त हुआ। दर्शकों, डीडी नेशनल आपके लिए लेकर आया है देखिए हर रविवार रात 9 बजे पुनः प्रसारण, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। देखते रहिए नए भारत का नया दूरदर्शन, नया दूरदर्शन। प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार। उस इंडिया का नाम और निशान को मिटा। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन के लिए परिवर्तन किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।